जय हिंद दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू वंडर। तो आइए आप लोगों को आज एक नए सफर पे लेके चलते हैं, दिल्ली से पचमढ़ी। पचमढ़ी एमपी का एक हिल स्टेशन है, बहुत ही सुंदर पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ एक ये हिल स्टेशन है। यहाँ पे मैक्सिमम मिलिट्री बेस और हमारे भारत स्काउट गाइड का ट्रेनिंग सेंटर है। तो आपको अगर पिपरिया जाना है या पचमढ़ी जाना है तो आपको हजरत निजामुद्दीन से सिर्फ एक ट्रेन जाती है जो कि श्रीधाम एक्सप्रेस के नाम से है। आपको वो मिलेगी यहाँ पे 2 बजे और पिपरिया आपको 6 बजे पहुँचाती है। तो पचमढ़ी का जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो पिपरिया ही है। पिपरिया से आपको बस, टैक्सी या शेयर कार आपको मिल जाए, बहुत आसानी से मिल जाती है। आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे वहीं आपको बाहर ही शेयरिंग टैक्सी बस आपको इजीली अवेलेबल है। आप चलते हैं, पहुंचते हैं पिपरिया और आप लोगों को पचमढ़ी घुमाते हैं। तो अभी हम पिपरिया रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं और यहां से अब हम बाहर से निकलेंगे और अपने आगे की सवारी जो है लेंगे। और आगे का जो 52 किलोमीटर का रास्ता है वो बाई रोड हम लोग तय करेंगे, क्योंकि यहाँ से और कोई ऑप्शन नहीं है। पिपरिया पहुँच के बाद आपको बाई रोड ही जाना होता है। तो आइए आप लोगों को लेके चलते हैं पिपरिया से, गाड़ी में बिठाते हैं और चलते हैं पचमढ़ी। पचमढ़ी को बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन में से एक है। तो आइए अभी हम लोग चलते हैं भारत स्काउट गाइड के ट्रेनिंग सेंटर में और जानते हैं भारत स्काउट गाइड के ट्रेनिंग सेंटर का एंट्री पॉइंट है। भारत स्काउट एंड गाइड के ट्रेनिंग सेंटर के अंदर लेके चलते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ये एक्चुअली 2 पार्ट में है, बीच में से रोड डिवाइडेड है। एक तरफ आपको ऑफिस का एरिया है और एक तरफ हमारा जो है जो वर्किंग एरिया है वो है। तो आइए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले जो फाउंडेशन स्टोन है पचमढ़ी का वो देखते हैं। और यही मेन अट्रैक्शन पॉइंट है जो कि पूरे हमारे भारत स्काउट गाइड के ट्रेनिंग सेंटर का मेन पॉइंट है। जो भी कोई आता है, चाहे बच्चा आए चाहे बड़ा आए, यहाँ पे बिना सेल्फी लिए वो रह ही नहीं पाता, क्योंकि यही सबको लगता है कि हम यहाँ पहुँच गए तो मतलब हम भारत स्काउट गाइड के एक शिखर पे पहुँच गए। यहाँ आने के बाद आप स्काउटिंग में रम जाते हैं और आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्काउटिंग ही दिखती है। आप यूनिफॉर्म में होंगे, यहाँ जिधर भी देखेंगे लोग यूनिफॉर्म में ही होंगे और सब एक ही जैसे दिखते हैं। तो आइए आप लोगों को हम अभी भारत स्काउट गाइड के जो NTC के हेड हैं उनसे मिलवाते हैं। आइए सर से मिलते हैं। वेलकम एट द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स नेशनल ट्रेनिंग सेंटर पचमढ़ी। पचमढ़ी इज नोन एज ट्रेकर्स पैराडाइज। पचमढ़ी इज द क्वीन ऑफ सतपुरा हिल्स। पचमढ़ी इज अ टेंपल ऑफ लर्निंग ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। हियर वी आर कंडक्टिंग 95th Assistant Leader Trainer course. Here we have participants from Nepal, participants from Sri Lanka, and also 41 participants from Bharat Scouts and Guides. We will go for camp 2. But you keep the duty to your second so that nobody can let. Leader will go forward first. Leader pehle jayega. Piche kon aa raha hai, kon bulega? Second will see, and all should come togetherly. And you see, this is pool area is Queenie Park. Q U I N double E. Tera 10 pages hai. 13 एक जालीहाट। जालीहाट मीन्स क्यों बनाया? बंदर सेफ्टी के लिए, सामान सेफ्टी के लिए। जालीहाट एक है। इसके बाद 8
हाट से हाट झुपड़ी झुपड़ी हिंदी में झुपड़ी नहीं है लेकिन आरसीसी है बाउंड्री है आरसीसी बाउंड्री है ऊपर टीन से है सेफली रह सकते हैं उसमें भी 10 पीपल कैन बी अकोमोडेटेड आठ हाट इसमें क्वीनी पार्ट क्यों हुआ इसमें क्या लिखा है सुनिए मिसेस क्वीनी कैप्टन एलिस प्रोटर पावेल वाज ए गाइड सर्व एज डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर गाइड एंड लेटर चीफ कमिश्नर ऑफ गार्ड गाइड एसोसिएशन इंडिया मिसेस क्वीनी कैप्टन के बारे में ये हिस्ट्री है इसके नाम के हिसाब से इसका नाम क्वीनी पार्क है ओके क्वीनी पार्क फिर बता दीजिए ओके आई रिपीट मिसेस क्वीनी कैप्टन एलिस प्रॉक्टर पावेल फुल नेम वाज अ गाइड ओरिजिनली शी वाज अ गाइड सर्व एज अ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर गाइड डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था एंड लेटर चीफ कमिश्नर ऑफ गर्ल गाइड एसोसिएशन इंडिया इंडिया की फर्स्ट चीफ कमिश्नर था गाइड सेक्शन का इतना ही अब तक मिलते हैं और ज्यादा पड़ेगा तो ज्यादा मिलेगा नेक्स्ट गुनी पार्क हो गया गिनी सर्कल हो गया इसमें एक लाइब्रेरी है फेरीज लाइब्रेरी फेरी स्पेलिंग एफ ई आर आर आई ई एस फेरीज फेरीज एफ ई आर आर आई ई एस फेरीज लाइब्रेरी F-E-R-R-I-E-S. You can pronounce your own language. Yeah. My Hindi also, English also, in Heng. अरे फेरी वाला होता है? फेरीज़. फेरीज़. हाँ, yes. In detail, you hear. Mrs. Iris Ferris. Mrs. Iris Ferris started her career as an educationist in a school in Calcutta. Calcutta. School education. हाँ. And serve Bengal branch of All India Girl Guide Association. All India Girl Guide Association, Bengal branch, West Bengal. West Bengal. Later she served WECS as General Secretary. WECS. As General Secretary. बाद में वो WECS का General Secretary बना था. उसके नाम के हिसाब से Ferris Library. Ferris Library में एक अच्छा चीज है स्मार्ट बोर्ड है. स्मार्ट बोर्ड है वो गाइड सेक्शन के लिए है स्काउट वाले चाहे तो बना सकते हैं बुलाएंगे कभी कभी ऐसा नहीं है स्काउट वाले चाहे तो इधर बना सकते हैं इधर बना सकते हैं वो सर ने एक सिग्नल मारा जो भी है ठीक है ये और इसमें तीन टॉयलेट ब्लॉक है तीन टॉयलेट ब्लॉक एक स्टाफ के लिए है ठीक है एक इस तरफ है टॉयलेट ब्लॉक एक उस तरफ है तीन टॉयलेट ब्लॉक है और इस क्वीनी पार्क को सब लोग चाहते हैं सब सिलेक्ट करते हैं क्योंकि बाहर से आते हैं लोग क्वीनी पार्क ही चाहिए उनको और किशन ब्लॉक है हमारा यहाँ 500 लोगों को खिला सकते हैं ऐसा किशन ब्लॉक है और डाइनिंग हॉल है जाली डाइनिंग हॉल बंदर कुछ ना कर सकेंड जाली डाइनिंग हॉल है ये क्वीनी पार्क के बारे में इन्हें अच्छे इतना ज्यादा नहीं है ठीक है यस सर द डाइनिंग हॉल इन क्वीनी पार्क इज हाईली प्रोटेक्टेड विद ऑल द फेंस इतना बंदर लोग है देर आर लॉट ऑफ मंकीज इन दोज डेज मंकीज वर ट्रबलिंग द पार्टिसिपेंट्स दैट स्नैचिंग अवे फूड सो दे प्रोटेक्टेड इट नाउ सो लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर वॉज इनकर्ड ऑन दैट And now it is a protected dining hall, catering to 500 people. So that is the speciality of this. And there is a smart board recently got from WECS. In the training center, this is the only smart board. National training center. Okay? Yes, sir. Abhi, kya karna hai? Petrol leader, apne petrol ko mere piche lana. Main to piche nahi dekh sakte. Second will take, sir. Please, hello. Yes. Okay. One by one.
Doing video? Yes. I am a small YouTuber. You know, यही as it is YouTube पे पड़ेगा. Sir, you send in the group. Sir. No, no. Report second. अपना अपना group है. Okay. This is Nagajiya. Nagaji. Zaya. Nagajiya. Zaya. Nagajiya. Nagajiya. Zaya. Nagajiya. ये नागाजिया क्यों हुआ? नागालैंड का नाम सुना है? यू हैव हर्ड द नेम ऑफ नागालैंड? यस. नागालैंड गवर्नमेंट गिव फाइनेंशियल सपोर्ट इन दिस कंट्री. सो इट वाज नेम आफ्टर नागालैंड. सो नागाजिया. ओके. यस. इट हैज 12 10 पेज. 1 toilet block. Gents alag, ladies alag. Toilet block. One. Lekin part. Gents ka alag hai, ladies ka alag. Yeah. Nagajiya. Okay. Yes. Start. Ready. Yes. Yes. Wait. Wait. This is Bibian part. Bibian. Bibian part. Bibian part. Ye khali hai. नथिंग है यार. प्रदीप भैया हम लोग बना लो यार. एक तुम यूपी सब है सब है बनेगा. सुनो सुनो भाई. गिरी जस्टी विवियन बुश वाज द सिक्स कमिश्नर ऑफ जाओ सब मेरे साथ लो. तमिलनाडु ये सुनने दो. बॉय स्काउट एसोसिएशन का सिक्स कमिश्नर सारे ले लो. महाराष्ट्र विवियन बुश. विवियन बुश. ओके. एंड नेशनल कमिश्नर ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स फॉर ए शॉर्ट आउट वीडियो. थैंक यू. एंड आल्सो इलेक्टेड एज अ मेंबर of World Committee in 1947. World Committee का member था 1947. हाँ, till up to 1949. 2 साल वो member था. World Committee. World Committee member. 47. 47 to 49. First Indian who holds such high office at the world level. Justice Vivian Bush. Okay. The master plan of the training center was prepared by Mr. Paul. An eminent American architect who was also a friend of Mr. Bush. His master plan, Wata, originally was made by Mr. Polk, who was the friend of Vivian Bush. Mr. Polk, Vivian Bush. Vivian Bush, NTC ka master plan. Ye Vivian Park hai. Iska ab tak kuch use nahi hai. Khali hai. Aap logo ka time mein use chalega. Okay, come. Chalega, chalega. Please come. Second report. All present or not? Second. All present. All present. All present. All present, sir. Yes. Okay. The area you can correct it. No matter of. Memorial Guide Bhavan was laid by Dr. Rajendra Prasad. 1956, 10th September. Inaugurated by Lady Baron Powell. Sir, ek baar dobara boliye sir. Inaugurated by 22nd February 1961. 1960
फायरमैन पर, फायरमैन पर, टीएस टीएस यू आर एम एन फायरमैन फायरमैन पर। जॉन थर्मैन वाज अ ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ वर्ल्ड स्काउटिंग। सेकेंड कैंपशिप ऑफ गिलवेल, क्या नाम था सर? जॉन थर्मैन, जॉन थर्मैन। सेकेंड कैंपशिप ऑफ गिलवेल लंदन, एंड ऑथर ऑफ मेनी बुक्स, सो इट इज नेम आफ्टर हिम, थर्मैन पार्क। थर्मैन पार्क इट इज 25 in a time 250 participants can be accommodated here. Either 8 huts hain, supreme. 25 tent beds. Tent lagane ki jagah 25 hain. 8 huts hain. How many people are coming here, sir? 250. 8 huts, 80. 330 people can be accommodated. It has one dining jali. Jali means protected from monkey. And kitchen. And it has also one scout hut where session can be conducted. That is backside scout hut. Ek scout hut. Nahi. One. That is scout hut name. One session hall. Hut 8. Hut 8. Any question? No, sir. खास करके जॉन थर्मैन का आपको एक स्काउट डम करके वेबसाइट है, ठीक है? स्काउट डम पे अगर आप जाएंगे, जॉन थर्मैन का एक बुक है पाइनरिंग के ऊपर, वो इतना एक्यूरेट है, बहुत अच्छा है। उसके अंदर क्या मटेरियल आपको लेके आने हैं से लेके क्या आपको मेजरमेंट लेना है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो डू रिफर, ठीक है? जॉर्ज थर्मैन, बहुत अच्छी बुक उन्होंने लिखा था। रेडी, चलो। सेकेंड रिपोर्ट सर भैया, अरे लाइन तो ठीक करो। हाँ सुनिए, आपका पांच नंबर वाला आइए। देखिए, दिस इज काब बुलबुल पार्क, ललित का बुलबुल पार्क, ललित का बुलबुल। आप लोगों ने नाम सुना है कि फॉर्मर, इसके आगे जो सीएनसी था नेशनल कमिश्नर ललित कुमार जैन था, रिटायर्ड आईएएस, इसके नाम के एलएम जैन, ललित मोहन जैन, ललित कुमार सर, ललित मोहन जैन, इसके नाम के हिसाब से ये ललित का बुलबुल पार्क दिया है। इसमें 11 टेन बेजेस हैं, 11 ये नहीं जाएगा, इनका ग्रुप इधर है, इधर ही रहेगा। तो ये ललित का बुलबुल पार्क 11 टेंट बेस, टेंट लगाने की जगह 11। एंड ये दिस इज पेडोलिना लाइब्रेरी, पेडोलिना लाइब्रेरी, देखो ये डरता नहीं, कुछ खाने का चीज देख रहे हैं। पेडोलिना लाइब्रेरी कैसे हुआ? ए ग्रेट स्काउट लीडर ऑफ फिलीपींस, पेडोलिना फिलीपींस के एक ग्रेट लीडर के नाम के इसे ये पेडोलिना लाइब्रेरी बनाया है इनके नाम के। ये देखिए हमारे पीछे मेन स्टोर, जितना स्काउटिंग मटेरियल हमारा मेन स्टोर में, गड्ढा कंबल, वाटर गार्ड। हाँ, इसके पीछे एक देखो जाली डाइनिंग हॉल बना रहे हैं, वो डोनेटेड बाय सुरेश पाठक, एक स्काउटर ने डोनेशन दिया है। अब तक तो फिनिशिंग नहीं हुआ, 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ अब तक। इसके बाद स्काउट शॉप देखिए, इसमें
आपका इक्विपमेंट मिलेगा, बुक्स हो जो भी हो, ऑल मटेरियल इट इज अवेलेबल इन द स्काउट। पेट्रोलिना हो गया, टॉयलेट ब्लॉक एक है, इसके साइड में कैंटीन है लेटेस्ट इनागुरेटेड। तो कैंटीन में आपको जब कैंप नहीं है, व्हेन इट इज नॉट अवेलेबल इन द कैंप, फूड विल बी प्रोवाइडेड बाय देम ऑन पेमेंट, इसलिए कैंटीन का सिस्टम रखा है। यहाँ पेट्रोलिना लाइब्रेरी है, ये फिलीपींस की एक स्काउट धीमन कौन था सुनिए, मिस्टर राम स्वरूप धीमन वाज ए स्टेट ऑफ बॉय स्काउट एसोसिएशन एंड आफ्टरवर्ड ही बिकेम नेशनल ट्रेनिंग कमिश्नर एट एनपीसी। धीमन मिस्टर राम स्वरूप धीमन फ्रॉम 1969 टू 1976, इसके नाम की ये है बिग कैंप साइकिल इन नेशनल ट्रेनिंग सेंटर, इट इज द बिग कैंप साइकिल, 700 पीपल कैन बी अकोमोडेटेड हियर, 700 नाम सर, ये तो नाम नहीं रखा, इंटरनेशनल कैंप साइकिल, क्योंकि लास्टली इंटरनेशनल 700 क्या है पार्टिसिपेंट इंटरनेशनल कैंप साइकिल, आप नोट डाउन लाइक कैंप बेस कर दो, कैंप फायर सर्कल लास्ट इंटरनेशनल एडवेंचर कैंप फायर वर्ल्ड चीफ स्काउट ऑफ हिंदुस्तान स्काउट एसोसिएशन, चीफ स्काउट एंड आफ्टर मर्जर ही वाज द फर्स्ट नेशनल कमिश्नर ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, फर्स्ट नेशनल कमिश्नर हिरण्यनाथ कुंजरू, इसके नाम के कारण ही ये कुंजरू हॉल, कुंजरू हॉल में एट ए टाइम 1000 पीपल कैन बी अकोमोडेटेड, दैट हॉल कुंजरू हॉल 1000 टू स्टोरी 1000 पीपल कैन से ट्रेनिंग सेंटर हेड ऑफिस, ये किरोड़ी मल भवन, किरोड़ी मल भवन, किरोड़ी मल भवन के आए किरो 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 किरोड़ी मल आर आई एम एल किरोड़ी मल भवन, ये सेठ किरोड़ी मल ने कुछ पैसा दिया था शुरुआत में, ही डोनेटेड सम मनी टू मेमोरियल गाइड भवन, बीपी मेमोरियल गाइड भवन, ये क्यों हुआ सुन लीजिए, ऑन 10 September 1956 हाँ फाउंडेशन स्टोन ऑफ बीपी मेमोरियल गाइड भवन वाज लेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने एक बार बोला फिर बोल रहे हैं, बीपी मेमोरियल गाइड भवन क्यों हुआ, पहले क्या क्यों हुआ, इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट इन 1951 गर्ल गाइड एसोसिएशन जॉइन बीएसजी भारत स्काउट्स एंड गाइड, दे हैव ए फंड ऑफ रुपीज 68,000 इन 1951 68,000 दैट टाइम, देन बिल्ड दिस। नमस्कार नमस्कार सोहन रंजित फ्रॉम भक्तपुर नेपाल, म तुलसिहारी प्रजापति भक्तपुर नेपाल, नमस्ते म लुम्बिनी प्रदेशबाट खुमाकान्त अधिकारी तालिमाई, अहिले भइरहेको जुन एएलटी ट्रेनिङ छ एसिस्टेन्ट लिडर ट्रेनर को जुन तालिम भइराखेको छ त्यो अति नै सराहनीय र अति नै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, यहाँको वातावरण शान्त रमणीय रमाइलो वातावरणका साथ साथीभाइहरूसँग एकदम हाँसी खुसी मजाक गर्दै र सिक्दै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ, र यो तालिममा जो जो प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँको एकदमै राम्रो चाहिँ प्रशिक्षणले गर्दा हामी साह्रै खुसी छौँ, र विशेष गरी यो कार्य यो तालिमका संयोजक जो हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्व र उहाँको टिम ले हामीलाई हामीले सोचे जस्तो अझ सोचे भन्दा राम्रो ट्रेनिङहरू हामीले पाइराखेका छौँ, पक्कै पनि यसले हाम्रो दक्षता बढाएको छ, हाम्रो क्षमता बढाएको छ र हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल बढाएको छ, जुन कुरा हामीले नेपाल फर्केर नेपालमा पनि स्काउटिङ अभियानलाई स्काउटिङ विकासलाई मजबुत बनाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु, र समग्रमा सबैजनालाई म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु, जय स्काउट। Hi everyone, I'm Sri Lankan.
ඇත්තටම මේ කෝස් එක පටන් ගන්නකොට ලොකු බයකින් අපි මෙහෙට ආවේ ඒ වුණාට කෝස් එක කරගෙන යනකොට දිගටම අපි හරියටම හැමෝ එකම හරි සතුටින් සමගියෙන් වැඩ කරා පච්මාරි කැම්ප් එක හරිම වටින දෙයක් අපි ගොඩාක් දැනුම ලබා ගත්තා ඒ වගේම මේ පරිසරය හරි ලස්සනයි අපි ඇවිදින්න ගියා හුඟක් දේවල් දැක්කා හැමෝ එකම සතුටින් වැඩ කරා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා ඒ හැම අත්දැකීමක්ම අපේ ඉදිරි ජීවිතයට ගොඩාක් වටිනවා කියලා මම හිතනවා ආයිබෝන් මම තිසරෝ ශ්‍රී ලංකාව ඉඳලා ආවේ මේ මගේ යාළුවා අපි දෙන්න එකටම ආවේ මේ අපිට මෙතන ෆීල් උන්නේ නැහැ හරියට මේක ලංකාව නෙමෙයි කියලා ඒ තරමටම ඉන්දියාවේ අපේ යාළුවෝ අපිත් එක්ක එකට හිටියා හැමදේම කියලා දුන්නා අපේ හිටපු ගුරුවරුත් දේශකවරුත් සියලු දෙනාම අපිට හොඳටම උදව් කරා කිසිම වෙනසක් දැනෙන්න දුන්නේ නැහැ මේ අපි පිට රටකට ඇවිල්ලා ඉන්න හින්දා කියලා ඉතින් උගලන් හැමෝටම ස්තුතියි අයිබෝවන් அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நான் இருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா என்டிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேசிய பயிற்சி மையம் இது வந்து மத்திய பிரதேஷ் பச்மாரியில் இருக்குது எனக்கு இது முதல் முறை இந்த இடத்த எனக்கு வந்து என்னோடய ஏஎல்டி அசிஸ்டன்ட் லீடர் ட்ரெயினர் கோர்ஸுக்காக நான் இங்கே வந்திருக்கேன் உண்மையாலுமே நாம் நாங்களாம் சிட்டியில் இருக்கிறவங்க இவ்வளோ அழகான கடவுளோட படைப்பு இந்த என்டிசி பச்மாடியில் இருக்குன்ற போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வாழ்நாளில் ஒரே ஒரு தடவை எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் இந்த பச்மாடிக்கு வந்து இந்த இடத்த சுற்றி பார்த்தாலே யூ வில் கெட் அ பெட்டர் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் பேடன் பவுல் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு எ ஸ்கவுட் இஸ் கிளீன் பட் நாட் அஃப்ரைட் டு கெட் டர்ட்டி ஸோ ஐ வாண்ட் யூ பீப்புள் டு ஹாவ் ஸ்கவுட்டிங் அண்ட் பி அ ஹாப்பி ஸ்கவுட்டிங் হাই আমার নাম রাজীব সিং আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি 95th ALT কোর্স স্কাউটিংয়ের পার্টিসিপেট করতে আমার সাথে আমার বন্ধুরা আমার দাদারা এবং দিদিরা এসেছেন যথাক্রমে আমার সাথে এসেছেন স্কাউট সেকশনের দুজন কাপ সেকশনের দুজন এবং রোভার সেকশনের একজন এবং আর একজন স্কাউট সেকশনে এসেছেন মোট ছজন মিলে আমরা আমাদের এই কোর্সে আজকে পশ্চিমবঙ্গে আমরা রিপ্রেজেন্ট করেছি বিগত 10 তারিখ থেকে শুরু হয়েছিল আমাদের এই ALT কোর্স মাননীয় শ্রী স্মৃতি সৌরভ রায় DDS LT মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এবং এছাড়াও আমাদের মধ্যে নানারকম অন্যান্য স্টেট থেকেও অনেক ট্রেনার্সরা এখানে ছিলেন আমাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ALT কোর্স হচ্ছে এমন একটা কোর্স যে কোর্স আমাদের এই মুভমেন্টকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে ভবিষ্যতে এবং আমাদের যত যারা আমরা ভবিষ্যতের জন্য ট্রেনার হতে চলেছি তারা আগামী দিনে ন্যাশনাল হেডকোয়ার্টারের সাথে কাজ করার জন্য উপযুক্ত হলে নিশ্চয়ই তারা এগিয়ে যাবে পাঁচমারি দ্য কুইন অফ হিলস সাতপুরা পর্বতে অবস্থিত পাঁচমারিতে নানারকম প্রচুর দেখার জায়গা আছে এই নিয়ে আমি পার্সোনালি পাঁচমারিতে তিনবার আসছি একবার এসেছিলাম পাঁচমারিতে আমি যখন স্কাউট ছিলাম অ্যাজ এ স্কাউট এখানে আমাদের ডিস্ট্রিক্টের অ্যানুয়াল ক্যাম্প ছিল সেই অ্যানুয়াল ক্যাম্পে সেকেন্ড এসেছিলাম আমাদের একটা 100 ইয়ার্স রোভারিংয়ের প্রোগ্রামে আমরা অর্গানাইজ করেছিলাম নাও ইট ইজ মাই থার্ড টাইম সে লিডার ট্রেনিং অ্যাসিস্ট্যান্ট লিডার ট্রেনিং কোর্সে তো বন্ধুরা যারা যারা তোমরা এই ভিডিওটাকে দেখছো তারা অবশ্যই এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং যাতে আমার এই বন্ধু যে ভিডিওটা করছে আরও ভালো ভালো যাতে ভিডিও করতে পারে এবং এই ভিডিওর মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যাতে স্কাউটিং পৃথিবীর চারিদিকে আরও ছড়িয়ে পড়ুক আরও বড়ো হয়ে দাঁড়াক এটাই শুভকামনা করি ধন্যবাদ আর তা আমি আবহ এই পচমড়ি মধ্যে খুব সুন্দর ইথলে যে ঠিকান আছে খুব সুন্দর আছে जसं आपण काश्मीरला सांगतो तसंच या मध्य प्रदेशमध्ये पचमढी हे एक स्थळ आहे इथे आणि खूप सुंदर असं एक सुंदर निसर्गमय वातावरण इथे आहे त्याचबरोबर इथे ही जी कॅम्पिंग चालते स्काउटिंग गाईडिंगची असं म्हटलं जातं की स्काउटिंगमध्ये ही पंढरी आहे तर ही पंढरीमध्ये आम्हाला इथे ट्रेनिंग करायला मिळालं ALT साठी आमचे जे ALT लीडर LOC सर जे SS राय सर आहेत खूप सुंदर त्यांनी ट्रेनिंग इथे हे केलेली कंडक्ट केलेली आहे आणि आम्हाला खूप गर्व आहे की त्यांच्या अंडरमध्ये आम्ही ही ट्रेनिंग केली आपमाला सम्मानला जय जोहार ले मैं छत्तीसगढ़ नहीं कुठे आऊँ पर ट्राई करत हूँ बोले मन ये हमार सतपुड़ा के रानी हर पचमढ़ी में हमन ALT कोर्सला असिस्ट करत हन आले बने पार्टिसिपेंट्स ले पूरे देश ले आए हैं और अतेक सुंदर सुंदर पार्टिसिपेंट आए हैं कि हमन तुम्हारा मिल के गाढ़ा गाढ़ा प्रसन्न हो गए हैं ले आप मन हम सम्मान जय जोहार करत हन जय भारत जय छत्तीसगढ़